नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। कश्मीर में मुठभेड़, चार आतंकी ढेर, एक को जिंदा पकड़ा। कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के पास नौगांव सेक्टर में एक मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने मंगलवार को चार आतंकवादियों को ढेर कर दिया और एक अन्य को जिंदा पकड़ लिया। सेना के एक अधिकारी ने कहा कि चूंकि अभियान अभी जारी है, इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगा कि यह घुसपैठ की कोशिश थी या नहीं। उन्होंने कहा कि हमने उनमें से एक को जिंदा पकड़ा है और उससे कुछ महत्वपूर्ण सूचना मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं मिला लापता AN-32 विमान, पर्रिकर ने जताई अनहोनी की आशंका। लापता हुए AN-32 विमान को खोजने के लिए तलाश एवं बचाव अभियान मंगलवार को पांचवें दिन भी जारी है। विमान में सवार 29 रक्षा कर्मियों के जीवित मिल पाने की उम्मीद धूमिल होती जा रही है और अभी तक मिले सभी सबूत किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि कई संसाधन लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान के हिम श्रेणी के अत्याधुनिक पोत सागर निधि को मॉरिशस से बुलाया गया है। फ्रांस में बंधक संकट समाप्त, दो हमलावर ढेर। उत्तरी फ्रांस के रोइन स्थित एक चर्च में दो हमलावरों ने चाकू की नोक पर कुछ लोगों को बंधक बना लिया। सुरक्षाकर्मी ने दोनों को मारकर बंधकों को छुड़ा लिया है। हालांकि इस बचाव अभियान के दौरान एक बंधक की भी मौत हो गई। इससे पहले समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा था कि चाकू से लैस दो लोगों ने 4 से 6 लोगों को चर्च के अंदर बंधक बना लिया था। बंधकों में चर्च के पादरी, दो नने और चर्च जाने वाले कुछ लोग शामिल थे। सातवें वेतनमान की अधिसूचना जारी, अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए संशोधित वेतनमान को अधिसूचित कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.57 गुना वृद्धि होगी। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। 1 जनवरी 2016 से केंद्र सरकार में न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए मासिक होगा और उच्चतम स्तर पर यह 2.5 लाख रुपए होगा। मंत्रिमंडल ने पिछले महीने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन में वृद्धि की मंजूरी दे दी थी। इससे सरकारी खजाने पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। भारत को एक और झटका, डोप टेस्ट में इंद्रजीत भी पॉजिटिव पाए गए। नरसिंह यादव डोप स्कैंडल से अभी भारत उबर भी नहीं सका था कि एक और डोपिंग मामले ने रियो ओलंपिक की तैयारियों को करारा झटका दिया, जब गोला फेंक खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह को प्रतिबंधित पदार्थ सेवन का दोषी पाया गया। सिंह ने कहा कि उनके नमूने से छेड़छाड़ की गई। ओलंपिक से महज 10 दिन पहले इंद्रजीत के ए नमूने में स्टेरॉयड, एंड्रोस्टेरॉन और एटियोक्वालानोलोन के अंश पाए गए। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।